गोकुल में स्थित गुरु शरणानंद के आश्रम रमण रेती आश्रम में खेली गई पारंपरिक होली सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ प्राकृतिक टेसू के फूलों से हुई होली। साधु संतों के साथ भक्त ने भी लिया अनूठी होली का आनंद। राधा कृष्ण की इस पावन भूमि पर होली खेलने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा पहुंचते हैं और ब्रज में जगह जगह अलग अलग तरीके से खेली जाने वाली होलियों का आनंद लेते हैं। गोकुल के रमण रीति आश्रम में राधा कृष्ण के स्वरूप के साथ भक्तजन और साधु संतों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली खेली। ब्रज की होली की झांकियों के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और टेसू के फूलों से होली खेली गई। वहीं फूलों से भी श्रद्धालुओं ने होली का विशेष आनंद लिया। ब्रज की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ब्रज में अनेकों जगह अलग अलग तरीके से होलियाँ खेली जाती हैं। वहीं मथुरा के गोकुल स्थित शिवदासी ने कर्षिण रमण रीति आश्रम में भी पारंपरिक होली का आयोजन किया गया है। आज रमणी मनाई गई है, किस तरह से आनंद रहा और किस तरह से देखते हैं आप? ये आनंद तो माय डियर तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा, मैं क्या वर्णन करूं। ये तो शब्दातीत आनंद है, रस है, श्री कृष्ण का नाम है रस। रसो वैसा ये वेद में आया है, ब्रह्म को रस कहा है, परम तत्व को रस कहा है, तंत्र शास्त्र में भी रस कहा गया है परम तत्व। हम में वो रस तत्व सब में विद्यमान है, सब में विद्यमान है, लेकिन वो आवृत है। आवृत माने ढका हुआ है, वो किस तरह से अनावृत हो, अनावृत माने खुले, और फिर हमको आनंद या रस कहीं और से लाना नहीं है, वो हमारा स्वरूप ही है, हम में है। तो यहाँ संतों के आशीर्वाद से, ठाकुर जी के लीला दर्शन से, कीर्तन करने से, जितनी देर के लिए भी सही, वो आवरण निवृत्त हुआ, और जब आवरण निवृत्त हुआ तो हमारा जो रस रूप है अपने आप प्रकट हो गया। हमको कहीं से इम्पोर्ट या लाना नहीं पड़ा, किसी ने डाला नहीं। और जब वो आनंद का उद्रेक जागृत होता है तो माय डियर फिर हमको नाचना पड़ता नहीं है, हमारी चाल अपने आप नाच हो जाती है, हमको गाना नहीं पड़ता है, जो कुछ भी हम कहते हैं वो सबका सब आनंद रूप हो जाता है, कविता रूप हो जाता है, हमारी प्रत्येक क्रिया कृष्णमयी होके रसरूपिणी हो जाती है। भगवान सबको अपना रंग प्रदान करते हैं, भगवत रंग कहो या अनुराग कहो, अनुराग माने राग माने रंग, रंजन अनुरक्त करते हैं माने रंग, या अपने रंग में हमको रंग लेते हैं, या हम और वो एक रंग में सराबोर हो जाते हैं। हमारे वेदांत वाले इसको अद्वैत कहेंगे और हम लोग इसको भगवान के साथ तद्रूप हो जाना कहेंगे। शुरू शुरू में तदीयता माने एक कृष्ण है जिसमें ये गुण है वो होता है। जब कन्हैया सामने आ गए, उनकी लीला हमने देखी तो हो गया, अरे हम त्वदीयता माने हम तो तुम्हारे हैं। आया हमने होली का आनंद दिया, किस तरीके का आनंद आया? किस तरीके से आनंद लिया आपने? आनंद की कोई तुलना ही नहीं है, जो संतों के साथ होली खेली और जो फूलों की होली खेली, जो सुनहरी निखट होली, आज अनुभव से भी ऊपर है, कल्पना से भी ऊपर है। शुक्र है ठाकुर जी का, शुक्र है राधा रानी का, और शुक्र है संतों का कि जिन्होंने हमें बुलाया। बिना उनकी इजाजत के तो हमारा आना भी मुश्किल है। शुक्र है ठाकुर। ये जो होली का उत्सव रमण रेती धाम में है, ये मान्यता है कि ठाकुर जी स्वयं यहाँ पर आकर होली खेलते हैं। ये रमण रेती धाम में श्री गुरु काष्ठी रूपाल जयंती महोत्सव के अंतिम दिवस पर ये होली का आयोजन होता है। इस बार 90वीं जयंती का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें विश्वख्यात संत बाबा रामदेव, रमेश भाई ओझा और भी गोविंद गिरी जी, जो हमारे राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, सभी संत यहाँ पधारे और यहाँ पर आकर उन्होंने उत्सव में आनंद लिया। आज जो होली है, हर वर्ष ये होली केसु के फूल और गुलाल से भी खेली जाती है, मगर इस बार कोरोना की दृष्टि से ये होली केवल फूलों से और लड्डू, जो बूंदी के लड्डू की होली ब्रज की फेमस है, यहाँ पर मनाई गई। और आज हम अगर कह सकते हैं यहाँ पर लगभग
दो टन फूल, आप इमेजिन करिए दो टन फूल से लगभग यहाँ पर होली खेली गई है। तो यहाँ लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।